नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बैंकर जॉब के बारे में। जी हाँ, सैलरी की बात करें तो 1,00,000 रुपए तक तनख्वाह आपको मिल सकती है। जी हाँ, हम बात करें इराक की। जी हाँ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक, कुवैत वगैरह ये सब सिमिलर हैं, आप सबको पता ही है। तो यहाँ के जॉब के बारे में बात करेंगे भाई। वीडियो पहले पूरा देखना, रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकते हैं। आगे इसमें एक बोलते हैं ना ट्विस्ट आने वाला है, जी हाँ ट्विस्ट भी आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इन एजेंटों से। देखिए जी, रिक्वायर्ड अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर इराक के लिए इनका कंपनी है। देखो 34 टाइप्स ऑफ जॉब है इनके पास में। देखो कितने पाइप फैब्रिकेटर, फिटर, आर्क वेल्डर, मिग एंड ट्रिक वेल्डर, रिग, फोरक्लिफ्ट, इलेक्ट्रीशियन, फायर वॉच, मोबाइल क्रेन, जेसीपी, पेंटर, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, स्टील पिक्चर, जिप्सम, ड्राइवर, स्टोर कीपर, पॉलिशर, इंसुलेटर, ड्राफ्टमैन, एसी मैकेनिक, पोकलेन ऑपरेटर, वेचिंग प्लांट, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, टेंडर, वॉच ऑपरेटर, कुक, इंडियन ग्रेटर, गार्डन हेल्पर। जी हाँ, तनख्वाह की बात करें तो भाई हेल्पर की कम से कम 500 है और ऊपर की अगर बात करें तो $1,000 तक तनख्वाह आपको मिल सकती है। $1,000 अगर बात करें 8 घंटे ड्यूटी की तो 75,000 यानी 75,000 रुपये बनते हैं। ओवर टाइम करके 1,00,000 रुपये बंदा आराम से कमा सकता है। खर्चे की बात करें, कुछ खर्चा नहीं है, मात्र 65,000 यानी 15 दिन का पैसा आपका लगने वाला है। जी हाँ, और टोटल जॉब है, अगर आपने इनसे कॉन्टेक्ट कर लिया तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि सॉरी सर ये जॉब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टोटल जॉब, सीवी सिलेक्शन, बिना कुछ, पासपोर्ट भी अगर आपके पास है तो भी आपको वीजा वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये वीजा दिखा देता हूं मैं, देख सकते हैं जी सर आप, ये ऐसा वीजा है, ये इराक का वीजा इसको बोला जाता है। ऐसा वीजा आपको मिलेगा, इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको दे सकते हैं। इस तरह से इनका मेडिकल भी आपका करवाया जाएगा, मेडिकल के 1,000 रुपये लगेंगे, ठीक है जी। और इनके बाद में आप देख सकते हैं, ये देखो पैसे ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में किए गए हैं जी, समझ गए बात आपको। और इसके बाद में देख सकते हैं आप, नौबत आ जाती है, ये FIR है जी, ये पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है, ये समझ में आ रहा आपको। अब पूरी कहानी मैं सुना देता हूँ। यूपी में एक ऑफिस, आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं लेकिन वो बात तो शायद आपको समझ में नहीं आती है कि भैया हमेशा मैन पावर ऑफिस से जाएं, लेकिन इस बुक को तो छोड़ दो, 700 रुपये बहुत बड़ी रकम हो जाती है, नहीं दे पाओगे। 350 लोगों से, जी हाँ 350 लोगों को एक बढ़िया प्लानिंग के तहत ऐड किया गया। जी हाँ, 74 टाइप्स जॉब अच्छी तनख्वाह में दिखाई गई। सीवी सिलेक्शन में भी जिस तरह से बन पड़ा ले लिया, सीवी सिलेक्शन में भी कर दिया, कुछ लोगों के पासपोर्ट वीजा ले लिए। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, मेरे मोबाइल में आए हैं, दिखा देता हूं मैं। कोई बंदा था, ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट बंदे ने भेजे हैं मुझे कि सर हम 350 लोगों का था, हम 10-15 लोग थे, 65,000 में बात हुई, वीज़ा आने के बाद में 40,000 रुपये दे दिए 10-12 लोगों ने। जी हाँ, बाद में पता लगा, बंदे का फ़ोन बंद आ रहा था एजेंट का, तो हम ऑफिस में गए तो वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे पुलिस ने ऑफिस सीज करके सरकारी जो मोहर लगती है ना सील की, वो सील लगी हुई थी। जी हाँ, फिर पुलिस स्टेशन में गए तो ये FIR देख सकते हैं ना, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लोग अपने कागज़ लेके फोटोकॉपी लेके लाइन में लगे थे FIR करवाने के लिए, समझ रहे हैं बात। ये नतीजा है, इन जैसे लोगों से आप संपर्क नहीं करना क्योंकि ये तो मैन पावर ऑफिस है, ये तो पैसा, टाइम भी इनके पास ज्यादा लग सकता है, पैसा भी हो सकता है ज्यादा ले लें, तनख्वाह हो सकता है कम देते, तो ये तो अपने को नहीं चाहिए। अपने को वो चाहिए 1,00,000 रुपये तनख्वाह हो, कम पैसे में काम हो, तुरंत काम हो जाए, सीवी सिलेक्शन घर बैठे, पासपोर्ट भी घर पड़ा है। जी हाँ, 350 लोगों से 65,000 रुपये ले लिए गए। जी हाँ, 350 लोगों से 65,000 आप जोड़ लें कितना पैसा होता है। उसके बाद में पता लगा फेक है तो लोगों ने FIR दर्ज करवाई और एजेंट के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा के एजेंट है फरार और उसके ऊपर लोक लग गई, पासपोर्ट लोगों के लेके भाग गया। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रही है कुछ बातें। ये लालच कैसे मरवाता है, 350 लोग कम नहीं होते मेरे भाई। आप शादी में, एक नॉर्मल सा बेचारा कोई शादी करता ना, उसके पर 350 लोग इकट्ठे नहीं होते शादी में, यहाँ विदेश जाने के चक्कर में इराक में 350 लोग इकट्ठे हो गए। बंदे ने मुझे फीस डाल के संपर्क किया, बोला सर ये देखो मैं फीस भी डाली है इसने, 40,000 रुपये डाल रखे हैं, आपने देखा होगा गूगल पे फोन पे किए हुए हैं एजेंट के अकाउंट में। बोला सर ये मेरा वीज़ा सही है क्या, ये कब बोलता है। मैं बोला बात किया अभी, फिर उनसे पूरी बात की तो बताया कि ऐसे हुआ, ऑफर लेटर FIR दर्ज करवाई है, हम भी थाने में गए थे तो पुलिस वालों ने ये बोला कि भाई एक एक की तो FIR होगी नहीं, सबकी एक साथ में करवा देंगे, आप भी अपनी शिकायत दे दो। तो फिर ये FIR की कॉपी,
फिर भी बंदा पूछता है सर मेरा वीज़ा सही है क्या, मैं जा सकता हूँ क्या? अरे भाई हद हो गई, देखो कितने लोगों की सोच, कितना भोलापन है ना, नॉलेज नहीं है। तभी तो ये क्वेश्चन किया ना, बंदा फरार पासपोर्ट लेके भाग गया लोगों का, जिसने मेरे से कॉन्टेक्ट किया इसका पासपोर्ट संयोग से इसके पास था, एक्चुअली मैं भूल गया था, वरना इसका पासपोर्ट भी उसके पास होता, इसका सिविल सिलेक्शन में ऑफर लेटर आ गया, फिर वीज़ा भी आ गया, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे लोगों से भाई क्या करोगे आप? अब इस बंदे ये एजेंट है, लाखों रुपए लेके भाग गया, लोगों ने एफआईआर करवा दी, पागल है क्या? ये हाथ आएगा कब? हाथ आएगा क्या होगा? हो सकता है पैसे लेके अपना पासपोर्ट वीज़ा लेके विदेश चला गया हो, कौन पकड़ लेगा इसको? इसीलिए रिक्वेस्ट है मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें, ताकि ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ ना हो। अब आप कितना इस बात पर गौर करते हैं नहीं करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।